ऐसी जगह हैं जिन्हें नसीब वाले ही देख पाते हैं। नंबर 2, कोलंबिया रेनबो रिवर। बेहद ही खूबसूरत से दिखने वाले यह नदी कोलंबिया में मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि यह नदी अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों से निकलती हुई दिखाई देती है। इसके लिए इसका नाम रेनबो रिवर रखा गया है। दरअसल इस नदी में अलग अलग और खास प्रकार के रंगों से भरे पेड़ पौधे मौजूद है और इसी रंग बिरंगे पौधों की वजह से यह नदी अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। नंबर 1, डेनमार्क अंडर वाटर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच पाया जाता है और इसकी खासियत यह है कि अंडर वाटर वाटरफॉल 11,500 फीट गहरा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा वाटरफॉल से 3 गुना ज़्यादा है। क्या नज़ारा होगा यार। आपको रेनबो रिवर पसंद आया या अंडर वाटर वाटरफॉल, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक हम और भी लाएँ। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि खतरे के साइन को हमेशा लाल रंग से डिनोट किया जाता है, पर खतरे को लाल रंग दिखाकर ही क्यों बताया जाता है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है कि खतरा लाल रंग से ही प्रदर्शित किया जाता है? हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। खतरे को लाल रंग से इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का परावर्तन बहुत कम होता है। इसी क्रिया की वजह से अगर शाम के समय केवल लाल रंग ही आसमान में दिखाई देता है क्योंकि अन्य रंगों का परावर्तन हो जाता है। इसी वजह से जब हम किसी दुर्घटना एरिया में जाते हैं तब लाल रंग हमें सबसे पहले दिखाई देता है अन्य रंगों के मुकाबले, और लाल रंग अन्य रंगों की तुलना में कम फैलता है और सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। इसी कारण बस लाल रंग को खतरे को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया और लाल रंग को दूर से ही दिख जाती है और व्यक्ति सावधान हो जाता है।